भारत की मेक इन इंडिया मुहिम ने बड़ा काम कर दिया है। दरअसल भारतीय रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को गति देने के लिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि BLW कई बड़े कदम उठाने जा रही है। बता दें कि इस कारखाने में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही इंजन बनाए जाते हैं। वहीं BLW से भारतीय रेलवे को लगातार नए इंजन की आपूर्ति की जा रही है। बता दें कि BLW ने भारतीय रेलवे के लिए 8,360 डीजल इंजनों और 967 इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया है। अब इन्हीं सब के बीच BLW इंजन निर्यात की तरफ भी ध्यान लगा रही है। बता दें कि BLW अब मरीन बोर्ड्स में यूज होने वाले इंजनों की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और आने वाले वर्षों में रेल आधारित माल ढुलाई की मांग बढ़ने का भी अनुमान है। और राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार भारतीय रेलवे को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तेज और भारी ट्रेनों की आवश्यकता होगी। तभी BLW के 6,000 हॉर्स पावर के फ्रेट लोकोमोटिव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को तैयार करने के लिए पहले 33 दिन लगते थे और अब BLW के वर्करों की कार्यकुशलता की वजह से महज 21 दिनों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार कर लिया जाएगा। और इसी समय की बचत से अब भारत मरीन बोट्स में यूज होने वाले इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग आसानी से कर सकेगा। वैसे BLW की उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए लोकोमोटिव के निर्माण के समय को कम करने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय रेलवे को बढ़ावा देने के लिए BLW ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-2023 में 9,000 हॉर्स पावर का मालवाहक इंजन बनाने की तैयारी में है, क्योंकि उनका अब ध्यान शिपिंग इंडस्ट्री की तरफ है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा बाजार है। वहीं BLW ने बीते वर्ष 169 इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण भी किया था। और वहीं अभी की बात करें तो BLW ने नवंबर 2021 में 219 इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया है। और यहाँ BLW ने ये जानकारी दी है कि उनके इंजन में यूज होने वाले सारे सामान पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं, जिससे ये साफ है कि भारत का इंपोर्ट अब पूरी तरह से बंद और भारत का ध्यान सिर्फ एक्सपोर्ट पर होगा। इससे ये साफ है कि भारत अब एशिया का बड़ा मार्केट आसानी से अपनी तरफ कर सकेगा। आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि भारत एशिया के साथ ही साथ अफ्रीकी देशों में अपने लोकोमोटिव दौड़ा चुका है। जाहिर सी बात है अब भारत चीन को झटका देने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका है।